महक ये लड़की कौन है? महक जिस हॉस्टल में रहती थी ये वहाँ काम करती थी। मुलाजमा है? माँ हो तुम उसकी, माँ की गोद चाहिए, और क्या हुआ? पकड़ो अपना बच्चा। देखो बुन्ना, तुम्हें खुदा का वास्ता है भुला दो, और अगर याद रखोगे तो वो सब तुम्हारे बचपने की जुबान से फिसल कर किसी के कानों में आ गिरा। मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। महक, मेरे तजस्सुस की अकड़ तो टूटी। आशिक है तू भी, इश्क का कैदी, तू भी सलाखों के पीछे। अल्लाह तुझे आजादी बख्शे। महक, भूख लग रही है। उस वक्त भूख नहीं थी? हाँ, लेकिन थोड़ी सी। डाइट कोला के बगैर नवाला मेरे हलक से उतर जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इतनी रात को डाइट कोला कहाँ से मिलेगी? मुझे ये तो नहीं पता कि कहाँ से मिलेगी, लेकिन मिलेगी, मिलना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेरी भूख बढ़ती जाएगी। भूख बढ़ेगी तो आएगा मुझे गुस्सा, गुस्से में बढ़ेगा मेरा ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर में जब मैं चीखूंगी तो मेरे दिमाग की नस फट सकती है, और मरना मुझे पसंद। इसलिए रात की इस खामोशी की सलामती चाहती हो तो मंगवा लो। आओ पकड़ो इसे। अभी मांगा ही था और तूने अता कर दिया। रास्ता खोल रहा है तो इसका सफर भी आसान रख। ध्यान से। नहीं भागोगे? तू जा, मेरी मंजिल दूर है। अरे मेरी मंजिल तो इसी कैद खाने के कहीं आस पास है। हाय, खुदा हाफिज। Thank you.
लगता कोई है वहां? कहां? उस तरफ। मैं कोई नहीं है, मैं तेरा। सुबह वक्त बैंक में पैसे जमा करवा देना। ठीक है सर। मुन्ने ठीक है, तुम जाओ। खुद इतनी गहरी रात में कहाँ जा रहे हो तुम? दुकान पे। दुकान पे क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं दुकानें तो रात 9 बजे बंद हो जाती हैं। मुझे पता है आदमपुर, पर मैं क्या करूं? मैं एक बजने कसम दे के कहा है कि जहां मर्जी से भी डैड को लगा के दो, और घर में किसी को ना बताने की अलग से कसम दी है। डैड को लगा मतलब? वो ठीक ही वाली डाइट। सो कहां से मिलेगी? ठीक है तुम जाओ, मैं ले आता हूं। चले। पैसे अपने पास रखो, जल्दी आइएगा। रात के इस वक्त गाड़ी निकालूंगा तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, जाग जाएंगे। 1 किलोमीटर तो होगा यहां से, पैदल जाके ले आता हूं। मैक, मैक। अबे ये क्या है? ये दिखता नहीं है, कठी सलाखें हैं। बहुत अरसा सलामत रही, अब कट गई। शयान कहाँ? शयान कहाँ? वो पता। हाँ वो तो क्या, कहाँ गया? बाहर छुपा, तेरा इंतजार कर रहा है। जा जाके पकड़ ले। अरे बुड्ढे, तुझे तो मैं बाद में पूछता हूँ। खान जी, खान जी, शयान भाग गया। पकड़े नहीं जाना, भाग जा। चलो बैठो गाड़ी में जल्दी, चलो खान। मुझे आहिस्ता बोलो प्लीज। देखती हूँ मैं, मुन्ना आता ही होगा। कहाँ से आता होगा? कोई भी मोटरसाइकिल और गाड़ी ऐसे ठीक से तलाशी लो, जाने ना पाए। हाँ भाई, किधर? जनेश्वर से आ रहे हैं। हाँ जनेश्वर से। ठीक है जाने दो। चलो। गाड़ी आ रही है, रोको इसको। रोको। हाँ भाई। जी साहब। कहाँ से आ रहे हो? साहब शादी से आ रहे, फैमिली है, घर वाले। तलाशी दो। साहब पर्दे वाले लोग हैं हम सब।
बेटा तुम भी माँ बहन वाले हो, ये मेरी जवान बहू बेटियां हैं, हम पर्दे वाले लोग हैं। जाने दो, जाओ। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई। वालेकुम अस्सलाम आदम भाई, इस वक्त कोई गाड़ी के बगैर? हाँ वो डाइट कोला का कार्टन दे दे पूरा। वैसे मुझे पता था कि आप 11 बजे दुकान बंद कर देते हैं, रास्ते में मैंने दुआ की अल्लाह करे आपकी दुकान खुली हो, देखे मेरी किस्मत। हाँ आदम भाई 11 बजे दुकान बंद तो कर देता हूँ, बस आज थोड़ी देर हो गई। बारिश होने वाली है आजम भाई? नहीं आदम भाई, हवा बहुत तेज है, बादलों को उड़ा के किसी और इलाके में ले जाएंगे, यहाँ नहीं बरसेंगे। आजम भाई मैंने कहा था ना बारिश होने वाली है, हो गई शुरू। आलिया तुम जमाइयां ले रही हो, मेरा कल टेस्ट है मुझे कंप्लीट करना है, तुम्हें देखकर मुझे भी नींद आ रही है, जाओ और जाके सो जाओ। नहीं नींद तो नहीं आई। आ रही है तुम्हें नींद, जाओ और जाके सो। मैं हाँ जाओ। तुम यहाँ इस वक्त पागल हो तुम तो? वो तो तभी हो गया था जब तुमने पहली बार देखा। लेकिन तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? इंसाफ? कैसे इंसाफ, किससे इंसाफ? तुम्हारी याद से इंसाफ। खुदा का वास्ता चाहो यहाँ से, मैं मारी जाऊंगी। खुदा ना करे, बल्कि खुदा ये करे कि मेरी और तुम्हारी मौत हमेशा सलामत रहे। अच्छा जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे हाथ पे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे हाथ पे? तो कुछ नहीं हुआ। जाओ यहाँ से, जाओ को देखेगा, ध्यान से, आराम से। बारिश की बूंदे क्या क्या याद दिलाएं, गिरती है जैसे वैसे
दिल को जलाए। मुन्ने ने मुझसे कहा था कि डाइट कोला चाहिए। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। नहीं वो मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं। तुम तो पूरी तरीके से भीग चुके हो, अंदर आ। माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बीमार बाप है। खान जी मैं सो गया था, पता ही नहीं चला कब आग लग गई मेरी। खान जी तू खुद नहीं सोया? तुझे तेरी मौत ने थपकी देकर सुलाया। डाल दो कुत्तों के आगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी मेरा इतना दिल किया कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर मेरा जो इतना बड़ा एहसान है तुम्हारी इतनी सी कोशिश के सामने मुझे घूर घूर के देखने लगा और होंठों पे उंगली रख के इशारा करने लगा कि मैं चुप रहूं, इसलिए न सॉरी न शुक्रिया। भूख तो भूख होती, चाहे दोस्त की हो या दुश्मन की। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शुक्रिया सुनने की गर्ज के बगैर ये कोशिश करती। भाई तुम ये जो अच्छे दिल के नेक नियत लोग होते हो ना, इनकी एक मुझे ये बात समझ नहीं आती, खुद को तकलीफ देकर सारी बात अल्लाह की तरफ से आने वाले अच्छे सिले के कंधों पर क्यों डाल देते हैं। भाई ठीक है सिले का यकीन मुझे भी है, लेकिन मुझे गुस्सा और हैरत इस बात पे होता है कि इतना हौसला लाते किस दुकान से हो भाई। मतलब तुम्हारा खावन निकाह के 5 दिन के बाद भाग गया, उसे बद्दुआ तो दूर, तुम तो उसे बुरा भला भी नहीं कहती यार। क्योंकि उससे ज्यादा कसूरवार मैं थी, उधर सिर्फ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के अलावा उसने कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। उसे मोहब्बत से इश्क तक का सफर मैंने खुद तय किया और निकाह के लिए भी दबाव मैंने ही डाला था। वाह भाई वाह, वैसे तुम्हारी इस बात ने ना तुम्हारा सारा पिछला रिकॉर्ड उजाड़ दिया मेरी नजरों में। क्या मतलब? सर पे हर वक्त दुपट्टा, इंसानियत की बातें, इंसानियत का ख्याल, कसम से एक लम्हे में सब कुछ मशकूक हो गया। मतलब तुम्हारे दादा का तुम पे यकीन, तुम लोगों का इलाके में ये रख रखाव, तुम्हारे दादा से अगर एतमाद और यकीन का दूसरा लफ्ज पूछा जाए ना तो सोचे समझे बगैर महक कह देंगे। और महक को देख लो, एक लड़के से चुपके निकाह कर लिया, वो भी उस पे दबाव डाल के। वाह भाई वाह। मुझे और मेरी मोहब्बत को उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम्हें क्या लगता है मेरी मोहब्बत इतनी बेवकूफ है कि उसके पैरों में उसकी वापसी की आस बांधे बगैर मैं उसे जाने देती? मोहब्बत बेवकूफ थी या समझदार ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आस की बेड़ी बड़ी कच्ची है।
जिसको उसने तुम्हारी दहलीज पार करते ही तोड़ा, तुम्हारे यकीन को उसी पैर से कुचला और कभी ना आने की नीयत से भाग गया। भागा नहीं है, बस वापस नहीं आए, और कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जब मिलूंगी ना उससे तो इंशाल्लाह ये भी पूछ लूंगी। मतलब सब के जाऊं मैं तुम्हारे यकीन के? पहले उसके भाग जाने के डर से उसे जबरदस्ती निकाल कर लिया, और अब कह रही हो कि वो भागा ही नहीं है, नहीं वो तुम्हारे बच्चे के खिलौने लेने चाइना गया है। उसकी वजह थी बस। क्या? मेरी एक दोस्त थी शान से। कहानी सुने बगैर तो सोऊंगी नहीं मैं। लो पानी पियो। बड़े दिनों बाद भी बहुत बड़ी नेकी का मौका मिला है, वरना ये गुर्बत और मजदूरी में इतना उलझा के रखे किसी चीज का वक्त ही नहीं मिलता। मीर आतम यहाँ से कितना दूर है? 4 घंटे दूर है तुम्हारी मंजिल, पर तेरे मामा का बड़ा इलाके में असर है, आगे पुलिस का बहुत बड़ा नाका भी है, कहीं वो तुझे पकड़ नहीं ले। तो फिर मैं पुलिस को जाकर मैं बता दूंगा ना कि उन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ है। बेवकूफ मत बन, इस छोटे इलाके के कानून इतने ताकतवर नहीं होते जो तुम्हारे मामा जैसे बड़े इंसान का सामना कर सके। तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचना है। हाँ लाला, कितना पैसा हो गया? 6 चाय 120 रुपए। अच्छा, बच्ची पैदाइशी तौर पे दिल की कमजोर है, इन्हें जरूर कोई गहरा सदमा मिला है, अभी खतरे से बाहर है, लेकिन परेशानी और हैरानी को इनसे दूर रखें। शान का सबसे करीबी दोस्त और शान से मेरी, हम सब इकट्ठे ही मिला करते थे, और उसी दौरान वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। शान से दिल की कमजोर थी, और अपने कमजोर दिल को सोचे समझे बगैर फखर को दे बैठी। अंजाम का सोचने की वजह अपनी खुशियों भरी जिंदगी का आगाज का सोचने लग गए। और वो ये कह के पाकिस्तान चला गया कि 15 दिन में वापस आ जाएगा, यानी सजन परदेसी हो गया। माफ करना, मेरी ना मजाक करने की बहुत आदत है, और अगर आदत इस्तेमाल ना हो तो बुरा मान जाती है ना। खैर तुम आगे सुनाओ। एक महीना और फिर 2 महीने गुजर गए, शान से बीमार होने लगी, ना कोई खबर ना कोई आस। शान से के चेहरे की रौनक वीरानों में बदल गई, यानी के फुल आशिकी सैडनेस के साथ है ना? हाँ,
वो इश्क ही था। फिर एक दिन जानजे मेरे कमरे में आई। शांति, शांति क्या हुआ? शांति खुद को संभालो। मेरी जिंदगी, मेरा दिल, मेरे ख्वाब सब कुछ बर्बाद हो गए। मैं हल्ला ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बताओ तो हुआ क्या है? आखिर की शादी हो गई है पाकिस्तान में। तुम्हें कोई गलतफहमी होगी, वो तुमसे मजाक कर रहा होगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैं। उसने मुझे खुद कॉल करके बताया। उसने ये तस्वीर भेजी है उसने मुझे। उसने कहा कि मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये फखरी है मैं बर्बाद हो गई हूँ मैं। शांति, शांति, बस उस दिन के बाद मेरी मोहब्बत मुझे गैर महफूज लगने लगी। बनता भी यही था वैसे। हुकुम खान जी। हाँ, क्या पता चला? वो अपने पैरों के निशान छोड़ता जा रहा है और हम उसे चुनते जा रहे हैं। सुबह की रोशनी में वो आपके सामने होगा। आप सो जाएं तसल्ली रखकर। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, मुस्कुरा रहे थे ना आप? हाँ, देख लिया था मैंने। क्या मुस्कुराते हुए? अच्छा, अब मुस्कुराने की वजह मत पूछ लेना। पागल नहीं हूं मैं जो वजह पूछूं। बड़ी तेज हूँ, सब पता है मुझे क्यों मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहा था? थोड़ी देर पहले महक बाजी को देख लिया होगा और उन्हीं का चेहरा याद कर करके मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ, ऐसे ही है। मैंने कहा ना। मैंने भी कहा ना। गुड़िया, जाओ जाके सो जाओ। कुछ अरसे बाद शयान की वालदा शायद बीमार हो गई। ऐसा शयान ने मुझसे कहा। उसकी डिग्री भी खत्म हो चुकी थी। उसने जब वापस जाने का कहा तो ऐसे जैसे उसका ये कहना मेरी जान ही ले गया। महक, मेरी दुनिया हो तुम, तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन ही नहीं। तुमसे दूर जाने की बेचैनी तुम्हारी बेचैनी से ज्यादा है। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, जल्द वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हारा दिल यकीन करने को तैयार नहीं है तो फिर तुम चलो मेरे साथ, साथ चलो पाकिस्तान, साथ वापस भी आ जाएंगे। फखर ने भी यही कहा था। उसे अपने लफ्जों के खूबसूरत कागज में लपेट कर अपने सारे झूठे वादे शान से के हाथ में थमा दिए थे।
तुम भी यही करोगे ना? बस उसके कभी ना वापस आने के खौफ ने मेरी आंखों पे ऐसी बदकिस्मती की पट्टी बांधी कि दादा का इत्मीनान, घर वालों की मोहब्बत सब नजर आना बंद हो गया। तुम क्या चाहती हो? देखा, कबूल है। जब वो आखिरी बार मेरी आंखों से ओझल हुआ तो फिर कभी नजर नहीं आया। उसका नंबर बंद, फेसबुक बंद, पुराना घर खाली। वैसे तुम्हें कभी खुदकुशी करने का आइडिया नहीं आया? आया, दो दफा तो तय भी कर लिया था कि खुद को खत्म कर लूंगी। तो की क्यों नहीं? पहली दफा खुद को खत्म करने का सोचा तो पता चला मेरे अंदर मेरा बच्चा पल रहा है। दूसरी दफा जब मायूसी ने मेरे हौसले की कमर जमीन पर लगाई तो फोन पर ऐसे ही अजान सुनाई दी थी। पहले तो रब का खौफ जहन में आया, फिर अजान को दिल लगा के सुन। अजान खत्म होते होते हौसला झोली में डाल के तुम्हारा और मेरा सफर यहां तक था। वो सामने नाला है और नाले के उस पार स्टेशन है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता। मेरे पास कुछ है नहीं देने को। अल्लाह के अमान में रहो, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जल्दबाजी में होश पीछे नहीं छोड़ देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महबूब के वापस ना आने के छोटे से खौफ के आगे खानदान के एतमाद को भी घास नहीं डाली। ये भी नहीं सोचा कि मैं निकाह करके भी वापस ना आया तो तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। निकाह के ठीक दो दिन बाद मुझे भी खुद पर तुम्हारी तरह हैरानी हुई थी। बस फर्क इतना है कि तुम हंस रही हो और मैं रो रही थी। नहीं, लेकिन निकाह करते हुए जहन में क्या आया, सोचा क्या तुमने? बस सोच बता दे। सोचा कहां जाता है, बस दिल मोहब्बत करते ही जहन को छुट्टी भेज देता है। बस दिल और दिल के खौफ ने आपस में मशवरा किया और करवा दिया मुझसे। चलो भी अच्छा हो गया, मशवरा तो हुआ था। खैर, सुबह हो गई है, तुम सो जाओ, यहाँ पे सब जल्दी उठते हैं। उठते होंगे, मैं तो आराम से उठूंगी। एक काम करना, मेरा दीवार बन जाना मुझ तक पहुंचने वाले हर रास्ते की, है ठीक है ना?
भाई ये वाला समझा दे, मुझे समझ ही नहीं आता है। मैं तो कहती हूँ 7 क्लास के बाद सबसे हार्ड है। चलो मासूमा बाहर गाड़ी तैयार है, तुम्हें ट्यूशन पर छोड़कर तुम्हारी माँ ने बाजार भी जाना। बाबा एक मिनट रुक जाए, मैं बस एक सवाल शयान भाई से समझ लूँ फिर चलते हम लोग। आपको उस दिन भी समझाया था शयान को भाई मत कहा करें, खान जी बोला करो। जी बाबा। शयान मुझसे मिल लो, मैं चली जाऊंगी, मुझे देर हो रही है, तुम्हारी आज फ्लाइट है ना? जी 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 मामी। खुश रहो, चलो बेटा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा। मामा जी वो मासूमा मेरी बहनी तो है, उसके भाईजान कह देने से आपको क्या इतराज़ है? वो तुम्हारी मामूजाद बहन थी, अब नहीं है। क्या मतलब मामू? देखो आज 40 दिन हो गए हैं तुम्हारी माँ के इंतकाल को, हमने वक्त ही नहीं दिया तुमसे ये बात कहने का। क्या बात? तुम्हारी माँ से मैंने जबान ली थी उसके जाने से पहले। क्या? तुम्हारा और मासूमों का रिश्ता तय कर दिया था हमने, अब वो मंगेतर है तुम्हारी।